दिनोमिन ऑफ आइसोमैरिज्म तो इसमें हमने स्टडी कर रहे uh, थे ऑप्टिकल uh, आइसोमैरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन भी हमने कर रखी है कि वट आर वट इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमैरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी तो इसको हम कहते हैं कि द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमैरिज्म इज डिसमिट्री और कायलिटी इन दॉलीक्यूल इसका मतलब है कि जो भी मॉलिक्यूल हमें चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं इट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर इट्स मिरर इमेज कि ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर पॉइंट बाई पॉइंट को इंसाइड नहीं करना चाहिए तो और कौन से हैं हमारे पास तरीके कि जिनसे हम ये देख सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं या जो स्ट्रक्चर है वो डिसिमिट्रिक है कि नहीं या कायरल है कि नहीं तो इसके लिए हम देखते हैं मॉलिक्यूल में कुछ एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री अगर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर सिमिट्रिकल होगी अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर होगी तो वट आर दोज एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री तो हम अभी करेंगे सिर्फ दो ही एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री तो सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज प्लेन ऑफ सिमिट्री तो प्लेन ऑफ सिमिट्री ये क्या होगा कि वो प्लेन जिसके लेफ्ट right और राइट दोनों साइड में सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगी एटम्स और ग्रुप्स ऑफ ऑफ एटम्स की तो प्लेन सिमेट्री हमें कैसे दिखाई देगा सपोज करें अगर हम बात करते हैं प्रोपेनोइक एसिड की तो प्रोपेनोइक एसिड है ये वाली चीज ये तो यहां पे अगर हम देखें तो ये वाला जो बॉन्ड है जो लाइन बनती है कार्बन एटम्स की इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड पे है वही डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड पे है तो दिस मीन्स के दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको मैंने ये ब्लू डैशेस से शो किया है तो ये हुआ एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, फिर दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है एक ऐसा सेंटर जिससे अगर हम इक्वल डिस्टेंस मूव करें ऑन ऑल साइड्स तो वी गेट द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स जैसे हम इथेन की बात करें अगर तो इथेन की स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ की जाए इस तरह से एक कार्बन के ऊपर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स तो इसी की मिरर इमेज जो है या वी कैन से कि इसी के ही कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमें बनानी हो डिस्ट्रीब्यूशन से एक्लिप्स कंफर्मेशन बनानी है या कुछ भी तो हम कैसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर दी सेकेंड एटम दिस अब यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स में अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक आए तो ये वाला जो है सेंटर इसी तरह से इधर से इधर भी और इसी तरह से यहाँ से इधर भी हम सभी जगह पे जो है इक्वल डिस्टेंस पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स जो है वो देखेंगे यहाँ पे होना चाहिए था इसको तो ये नो no डाउट देखने में थोड़ा इधर डिस्टेंस ज़्यादा इधर कम लग रहा है पर एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलीक्यूल होती है थ्री डायमेंशनल तो उस कारण हर एक जगह पे डिस्टेंस जो होगा इस सेंटर के अराउंड वो सेम होगा तो इसलिए इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमिट्री तो किसी भी मॉलिक्यूल में चाहे अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री है या सेंटर ऑफ सिमिट्री है तो स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिमिट्रिक अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है तो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी पर अगर स्ट्रक्चर हो डिसिमेट्रिक तब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं फिर इसके बाद और चीज़ें आती हैं कि रिप्रेजेंटेशन हम जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उनकी किस किस तरह से कर सकते हैं दैट इज़ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आइसोमर्स तो हमने बात की थी कि उनको कहा जाता है ऑप्टिकल और 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 एंटीपोर्स तो उन्हीं की अब रिप्रेजेंटेशन करनी है कि हम कैसे कैसे करके इन ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंशियोमर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनेंशियोमर्स अब इनको इनशमर्स को रिप्रेजेंट करने के भी आगे कई तरीके होते हैं जैसे मैं एक लैक्टिक एसिड की एग्जाम्पल लेकर उसको तीन डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस करने की जो है वो बात करूँगा सबसे पहले आते हैं न्यू मैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले न्यू मैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो कायरल कार्बन होता है उसको हम एक से सर्कल या सफियर से रिप्रेजेंट करते हैं और लैक्टिक एसिड में क्या चीज़ होती है एक्चुअली इट इज़ टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया यहाँ पर ये वाला भी जो सर्कल से मैंने रिप्रेजेंट किया इट इज़ ए कायरल कार्बन तो इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा है से इधर को फिर एक लगा होगा ओ एच ग्रुप से इधर को और लास्ट बचा दैट इज सी ओ एच ग्रुप दिस इज सी ओ एच ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो दिस इज लैक्टिक एसिड और टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड अब इसकी मिरर इमेज क्या होगी क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं दीज आर मिरर ईच अदर तो इसकी मिरर इमेज जो है वो हमें दिखाई देगी इस तरह से इधर है एच और ये सी ओ ओ एच तो इस तरह से अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करें तो इन इस टेक्निक को हम कहते हैं न्यू मैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले फिर इसी लैक्टिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर्स की ही रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका है दैट इज वेज एंड डैश फॉर्मूले। तो अब इसके बाद हम वो वाली रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं वेज एंड डैश फॉर्मूले। तो इसमें इस तरह की रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास जो भी दो एटम्स या ग्रुप्स हैं जो हैं विद इन प्लेन ऑफ द बोर्ड उनको तो हम ऐसे सिंपल लाइन से ही शो करेंगे तो दीज हाइड्रोजन एंड ओ एच ग्रुप दे लाई विद इन द प्लेन ऑफ द पेपर और प्लेन ऑफ द बोर्ड और एक ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे डैश dash, डैशेस uh, वाली लाइन से यहां पर लगाया है अगर सी एच थ्री ग्रुप और एक हम लगाएंगे ये वेज इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे और यहां पर होगा सी ओ ओ ओ एच ग्रुप सी एच थ्री सी एच एच और आगे सीओ ओ एच ग्रुप तो दिस इज लैक्टिक एसिड सॉरी अब इसका जो मिरर इमेज होगी दैट विल बी ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड तो इसकी मिरर इमेज को हम अब कैसे बनाएंगे ये मैं बता चुका हूं कि जो मैंने सिंपल लाइन से शो किए दीज लाई इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड अब जो है अब द्लेन ऑफ दी बोर्ड वो हो जाएगा बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड इसकी मिरर इमेज में और जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा बिलो द प्लेन वो हो जाएगा अबव द प्लेन तो उसको हम डॉटेड लाइन से बना लेंगे जैसे यहाँ पर हो जाएगा सी ओ ओ एच ग्रुप तो वेज एंड डैश फॉर्मूले से हम ऐसे एक्जैक्टली मतलब वी कैन से कि जो मिरर इमेज वाली रिप्रेजेंटेशन इतनी सही अपीयर नहीं होती पर इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल है कि जो भी है हमारे पास टेट्राहेड्रल कार्बन उसके साथ जो दो एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स लगे हैं उनको हम लगाएंगे विद इन द प्लेन ऑफ़ द पेपर और जैसे यहाँ पर विद इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड एक होगा से अब द्लेन ऑफ द बोर्ड और एक होगा बिलो द प्लेन ऑफ दी बोर्ड इस तरीके से हम वेज एंड डैश फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की और सबसे सिंपल जो टेक्निक है दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले और इन्हीं की हेल्प से हम ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले या इनको सिंपली हम फिशर प्रोजेक्शंस भी कह देते हैं तो इसमें कायरल कार्बन को रखेंगे सेंटर में और इसके साथ एक अटैच्ड है सीओओ एच ग्रुप और एक है सी एच थ्री ग्रुप फिर एक साइड को ओ OH एच और एक साइड को एच अब इसकी मिरर इमेज जो है वो बनानी सबसे इजी है यहां पर है सी ओ ओ एच ग्रुप और यहाँ पर है सी एच थ्री ग्रुप और ये वाली रिप्रेजेंटेशन जो है इस, इसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले तो ये थी हमारे पास जो बात हमने की सेंट जो भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिट्री और आगे उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन एंशोमर्स की हम किस किस तरह से इन एंशमर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद थोड़ी सी बात और आती है एक आता है कॉन्सेप्ट हमारे पास दैट इज़ प्रोकाइरल कार्बन और प्रोकाइरल मॉलिक्यूल तो व्हाट इज़ प्रोकाइरल कार्बन तो सबसे पहले प्रोकाइरल कार्बन अकार्बन एटम अटैच टू 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 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वन ऑफ विच जेनरेट्स एक कायरल कार्बन इज कॉल्ड प्रोकायरल कार्बन और जनरेट्स एक कायरल कार्बन इज कॉल्ड प्रोकायरल कार्बन जैसे यहां पर ये वाली जो कार्बन है जिसको मैंने स्टार से रिप्रेजेंट किया है इसको हम कहेंगे प्रोकायरल कार्बन इसका अगर एक हाइड्रोजन मैं किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दूं तो वी गेट ए कार्बन जैसे अगर इस एच को मैं ओ एच ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो ये बन गया लैक्टिक एसिड एंड दिस कार्बन इज ए काइरल कार्बन बिकॉज इट इज अटैच्ड टू फ़ोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स तो जिस कार्बन सेक के साथ जो दो हाइड्रोजनज अटैच्ड हैं उनमें से अगर हम एक को रिप्लेस करके कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लगा सके तो उसके बाद अगर वो कायरल हो जाए तो उस हम कार्बन को कहेंगे प्रो कायरल कार्बन और ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्रो कायरल तो ये चीज हुई फिर इसके बाद आती है स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ कन्फिगुरेशन जो हमने स्टीरियो आइसोमर्स की करनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू वट डू वी मीन बाय कन्फिगोरेशन तो आप लिख सकते हो कन्फिगोरेशन द अरेजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स द अरेजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच टू टेट्राहड्रल कार्बन च करेक्टराइजेज द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंफ्यूगुरेशन अब यही कंफ्यगुरेशन एक्सप्रेस करने के भी हमारे पास दो मेथड्स होंगे एक को हम कहेंगे रिलेटिव कंफ्यगुरेश मतलब दूसरे के कंपैरिज़न में कि ये कंफ्यगुरेशन या ये अरेंजमेंट कैसी है और एक होंगी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेलेटिव नोटेशंस। सॉरी डी एंड एल ये होती है रेलेटिव कन्फिगुरेशन रेलेटिव मतलब दूसरे के कंपेरिजन में तो इस केस में हम क्या करेंगे वी टेक केस ऑफ ग्लिसरेल डी तो वट इज ग्लिसरेल सबसे पहले यहाँ पर लगा रखेंगे सी एच ओ ग्रुप फिर सेकेंड कार्बन पे एक साइड में H और एक साइड में है अगर OH और उसके बाद यहाँ पर लगा है CH2OH ग्रुप तो यहाँ पर जो सबसे नीचे है कार्बन उसके ऊपर वाले कार्बन पे मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन होगा कायरल उसके अगर ओ OH ग्रुप लगा है राइट साइड पे तो इसको हम कहते हैं डी डी स्टैंड फॉर डेक्स्टर दैट इज राइट तो इसको आप कहोगे डी ग्लिसर और अगर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तब इसको कहा जाएगा एल एल हेयर कम्स फ्रॉम लीवस दैट इज सिनेस्टर और इट स्टैंड फॉर लेफ्ट तो दिस विल बी कॉल्ड एल ग्रेल हाइड तो ये कैपिटल से हम कैपिटल लेटर से हमने रिप्रेजेंट किया है जो हमने पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स किए हैं या इन किए हैं तो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है डी एंड एल से पर उस केस में जो रोटेटरी आइसोमर होता है उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं ना कि कैपिटल डी से तो एक हमारे पास स्मॉल डी और स्मॉल एल वाली रिप्रेजेंटेशन है ये होगी फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स ओनली दिस डी स्टैंड फॉर डेक्सटोरोटरी सैम्पल एंड एल स्टैंड फॉर लिवो रोटेटरी मोलिक्यूल पर यह कैपिटल डी और कैपिटल एल जो हैं दीज आर रिलेटिव कन्फिगोरेशन हम यूज़ करेंगे मतलब इन ग्लिसरेलडीहाइड की कन्फिगोरेशन के कम्पेरिटिवली ये वाली नोटेशन हम बेसिकली यूज़ करते हैं इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ओनली जैसे ग्लूकोज है अगर मॉलिक्यूल तो उसमें सी एच टू ओ एच और इसके ऊपर पांच कार्बन होते हैं जिसमें एक एच और एक ओ एच अटैच होता है ठीक है एक ये और चार इसके ऊपर उसके एंड पे जाके ऊपर सबसे ऊपर ये एल डी हाइड ग्रुप या सी एच ओ ग्रुप होता है और उस मॉलिक्यूल में हम सबसे जो है नीचे वाला कारल कार्बन वहां पर देखेंगे कि ओ एच इज ऑन दी राइट साइड और इट इज ऑन दी लेफ्ट साइड तो उसी के अकॉर्डिंगली ही हम उसको डी या एल नोटेशन स्पेसिफाई कर देंगे तो ये वाली जो है नोटेशन हमारे पास ये सारी की सारी बनाएंगे हम के कंपैरिजन से तो इसीलिए ही इनको हम रिलेटिव कंफिगुरेशन भी कह सकते हैं जैसे अगर मैं ग्लूकोज की ही स्ट्रक्चर बनाऊं यहां पर तो सबसे ऊपर लगा है एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ पर सिक्स कार्बन एटम्स की लंबी चेन होती है एंड पे लगा है सी एच टू ओ एच एक कार्बन थोड़ी सॉरी ज्यादा हो गई तो जो लास्ट कार्बन है सिक्स कार्बन यहां पर है सी एच टू ओ एच और इसके बाद हमारे पास ऊपर आते हैं टोटल फाइव कार्बन जिसमें डिफरेंट हरेक कार्बन के साथ एक एक एच और एक एक ओ OH एच ग्रुप लगा है जैसे अगर यहां पर मैं ओ OH एच राइट साइड में करूं तो एच होगा लेफ्ट साइड पे ओ OH एच और एच और इधर एच ओ एच फिर इधर ओ OH एच और एच यहां पर हम देखेंगे कि जो लास्ट कार्बन से पहला है कायरल कार्बन इसमें ओ OH एच ग्रुप है ऑन दी राइट साइड तो दिस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड डी दिस इज डी ज अब इस जो रिलेटिव कंफिगोरेशन है डी इसका डेक्स्ट्रो लिवो रोटेटरी से कोई रिलेशन नहीं है ये वाला मोलिक्यूल डेक्सटोर भी हो सकता है लीवोरोट्री भी हो सकता है तो इस डी का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है तो मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन जो है उसको ही शो करने के काम आती है अगर यहां पर ओ OH एच होता ऑन साइड तब हम इसको कहते एल ग्लूकोज तो ये बात थी हमारे लिए जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसको हमने स्पेसिफाई किया विद हेल्प ऑफ ग्लिसरडीहाइड मॉलिक्यूल फिर इसके बाद हमारे पास बात आती है एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशन की जो एक्चुअल में होती हैं। दैट इज उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एंड एस नोटेशन से आर एंड एस नोटेशंस और दीज आर एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशंस इन एब्सोल्यूट कन्फिगोरेशन में भी हमें जो हमने ई एंड जेड नोटेशन में भी सेट ऑफ़ रूल्स किए थे सीक्वेंस रूल जिनकी हेल्प से हमने डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स को प्रायोरिटीज़ असाइन की थी वो रूल्स सारे के सारे वही हैं वहाँ पर हमने चार पांच रूल्स किए थे जैसे सबसे पहले किया था कि हायर दि एटॉमिक नंबर हायर इज़ दी प्रायोरिटी या फिर उसके बाद था कि हायर मास नंबर हायर इज दी प्रायोरिटी इन केस ऑफ डिफरेंट सॉरी आइसोटोप्स फिर इसके बाद आर एंड एस नोटेशन में आफ्टर दी असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटी उसके बाद हम कैसे देखेंगे कि ये आर है कि एस है तो उसके बाद अगर तो हमारे पास आए वही वेज एंड डैश फॉर्मूले या Uh, दूसरी जो एग्जांपल थी हमारे पास न्यू मैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले तो उसमें ज़्यादा सिंपल होता है जो uh, ये आर एंड एस नोटेशन स्पेसिफाई करना कि वी रोटेट आवर आई इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज दैट इज़ फ्रॉम वन टू और थ्री जो भी हमने प्रायोरिटीज उनको असाइन की हैं उसके अकॉर्डिंगली तो अगर आई रोटेट करे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज़ कॉल्ड आर और अगर आई रोटेट करे इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन इट इज़ कॉल्ड एस जैसे अगर हम वही ग्लिसरेलडीहाइड की एग्जाम्पल ही लें और सॉरी ग्लिसरेलडीहाइड नहीं लेक्टिक एसिड की तो फॉर एग्जाम्पल अगर इधर है एच इधर है ओ OH एच और एक लगा रखा है सी ओ ओ एच इनको अगर हम प्रायोरिटीज असाइन करें तो ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर है एट इसको नंबर वन प्रायोरिटी मिलेगी फिर उसके बाद दो कार्बन हैं। इस कार्बन के साथ आगे तीन हाइड्रोजन अटैच हैं पर इसके साथ एक डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो है तो इसलिए इसको प्रायोरिटी थोड़ी हायर मिलेगी इसको नंबर टू देंगे और इस सी एच थ्री को नंबर थ्री फिर इसके बाद हाइड्रोजन इसको नंबर फोर मिलेगा तो यही चीज हमने ई एंड जेड नोटेशन में भी देखी थी वहां पर हम सिर्फ Higher priority और lower priority करते थे। यहां पर हमें की की। है हमने uh, different groups की। तो अब फोर को तो सोचेंगे ही नहीं हम वी टेक ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी टू स्टैंड फारेस्ट अवे फ्रॉम दी आई ऑफ ऑब्जर्वर तो इस ये वाला जो एच है यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हम इसको करेंगे कि इट पॉइंट्स पॉइंट अवे। तो बाकी जो भी ग्रुप्स हैं टू और थ्री हम ऐसे रोटेट करेंगे आई को तो अगर आई घूमे क्लॉक और अगर आई रोटेट करे इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड एस जो अरेंजमेंट होती है तो इस तरीके से हम जो हैं हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन या वेज एंड डैश फॉर्मूले उनसे से हम आर एंड एस नोटेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं हमें ज़्यादा जो है सो वो सोचने वाली सिचुएशन बनती है जब हम फ़िशर प्रोजेक्शन में ये नोटेशन स्पेसिफाई करते हैं तो फ़िशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे पास चार डिफ़रेंट केसेस जो हैं वो बनते हैं तो उनको हम स्टडी करेंगे अभी सबसे पहले आप लिख सकते हो के एस वन वेन एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज एट बॉटम जैसे हम ये वाले कंपाउंड की बात करें या सपोज कर लेते हैं अगर तीनों हेलोजन ही लगाने हैं तो यहाँ पर है आयोडीन तो इनको प्रायोरिटीज़ पहले असाइन करेंगे हम हाइड्रोजन की तो नो डाउट ऑटोमिक नंबर सबसे कम होने के कारण लोएस्ट प्रायोरिटी है तो आयोडीन का ऑटोमिक नंबर हाईएस्ट है तो इसको नंबर वन फिर उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का नंबर आएगा नंबर टू और क्लोरीन का नंबर थ्री तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज में अपनी आई को रोटेट करवाना है अगर यहाँ पर रोटेट किए जैसे एंटी क्लॉक तो इट विल बी कॉल्ड एस अरेंजमेंट तो ये एस आइसोमर होगा और इसी तरह से अगर आई रोटेट करे इन द्लॉक क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन तब हमारे पास जो अरेन्जमेंट बनेगी दैट विल बी कॉल्ड आर कन्फिगोरेशन तो इसके लिए है फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बात करें इधर सी एच थ्री इधर एच और इधर अगर हम अटैच करें बी आर तो अब अगर हम प्रायोरिटीज़ को असाइन करें तो यहां पर ब्रोमीन है जिसका अटोमिक नंबर हाइएस्ट होगा तो इसको प्रायोरिटी नंबर वन मिलेगी फिर आएगा कार्बॉक्सली ग्रुप और फिर आएगा मिथाइल ग्रुप जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी है वो है बिल्कुल नीचे अब देखो अगर आई को हम रोटेट करेंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी तो आई मूव्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो तो देन इट विल बी कॉल्ड आर आइसोमर इस तरीके से हम जो फिशर प्रोजेक्शंस थी उनसे जो हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एटम्स या ग्रुप्स की अरेंजमेंट कैसी है ये था केस वन और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज एट द बॉटम इसके बाद हम करते हैं केस टू वेन द एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑन द इज एट टॉप अब अगर एटम और आप लिख सकते हो केस टू वेन ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज एट दी टॉप रोटेट द Entire molecule rotate the entire molecule by one eighty degree so that the atom or group of lowest priority comes to the bottom. So इसको 180 डिग्री एंगल पे अगर हम रोटेट करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी इट विल बी इक्विवेलेंट टू यहां पर आ जाएगा CH3 ग्रुप और यहां पर आ जाएगा C2H5 ग्रुप तो अगर हम अब प्रायोरिटीज असाइन करें तो NH2 को नंबर वन फिर C2H5 फिर CH3 तो यहां पर 1 2 3 अगर हम मूव करें तो आई मूव करती है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो दिस विल बी टर्म डर कंफिगोरेशन अगर आई रोटेट करे इन द्लॉकवाइज डायरेक्शन तब होगी आर फिर हम करते हैं केस थ्री वेन द्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो उस केस में हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी फॉर एग्जाम्पल अगर एक हमने जो H है इसकी प्रायोरिटी है लोएस्ट इसको रखा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट वो ऊपर है यहां पर तो हमें इसको नीचे लाना पड़ेगा सबसे पहले तो इसके बाद आप लिख सकते हो रोटेट दी मॉलिक्यूल इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज सो दैट

तो अब अरेंजमेंट हमारे पास क्या बनेगी अगर प्रायोरिटीज असाइन करें तो वन टू थ्री वन टू थ्री आई रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो दिस इज आर द्लॉक और इसके बाद हमारा लास्ट केस बचता है दैट इज केस फोर तो इसके बारे में आप लिख सकते हो व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑन द राइट साइड कीपिंग द पोजिशन एट टॉप फिक्सड रोटेट मॉलिक्यूल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एच आ जाएगा नीचे सी ओ ओ एच आ जाएगा इधर और सी एच थ्री यहाँ पर बाय एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्रीज रोटेट द मॉलिक्यूल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ नाइंटी डिग्रीज तो यहां पर ओ एच ग्रुप की प्रायोरिटी नंबर वन सी ओ एच नंबर टू पे और सॉरी हमने इधर देखना है ओ OH एच की प्रायोरिटी नंबर वन सी ओ एच नंबर टू पे और सी एच थ्री नंबर थ्री पे तो आई रोटेट्स इन दलॉक क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो देयरफॉर इट इज आर आइसोमर तो इस तरीके से हम जो जो फिशर प्रोजेक्शन हैं उनमें हम आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं तो हमने अभी देख लिया कि कैसे हम किस किस तरह से आर एंड एस नोटेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं जो वेज एंड डैश फॉर्मूलेज थे या दूसरी रिप्रेजेंटेशन थी उनमें तो हम बिल्कुल सिंपल वे में कर सकते हैं और फिशर प्रोजेक्शन में थोड़े से डिफरेंट केसेस बनते हैं जो हमने डिस्कस कर लिए तो हम स्टडी कर रहे हैं अभी ऑप्टिकल uh, आइसोमेरिज्म तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही एक और हमारे पास आते हैं टाइप के आइसोमर्स विच आर कॉल्ड डाया इनकी बात मैं फिर से दोबारा करने लगा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि अब हम इनको इनेंशियोमर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो व्हाट आर डास्टिमर्स यू कैन राइट डाउन diastereomers the pair of optical isomers <coughs> sorry the pair of optical isomers अब ये जरूरी नहीं है कि वो इनशियमर्स हो मतलब एक दूसरे की वो नॉन सुपर मिरर इमेजेस भी हों विद सेम कंफिगुरेशन अराउंड सेंट्रल काल कार्बन बट डिफरेंट कंफिगोरेशन अराउंड दर आर कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला केस लेकर स्टडी करें तो मैंने बोला है कि एक से ज्यादा कारल कार्बन हैं तो एक के अराउंड तो कन्फिगुरेशन होगी सेम और दूसरे कायरल कार्बन के अराउंड हम को चेंज करेंगे तो जो इसका दूसरा हमारे पास आइसोमर बनेगा वो क्या होगा यहां पर हमने जो ये ऊपर वाला कायरल कार्बन है इसके ऊपर अरेंजमेंट जो है वो चेंज कर दी दिस थिंग, तो दीज टू मॉलिक्यूल इनमें आप देखो अगर तो जो मैंने ये ब्लू स्टार से दिखा रहा हूं कायरल कार्बनशन चेंज की है और जो ब्लैक स्टार से दिखाया है कायरल कार्बन इसमें हमने कन्फिगुरेशन जो है वो सेम रखी है तो एक कायरल कार्बन के अराउंड हमने कन्फिगुरेशन चेंज करके जो दो आइसमर्स बनाए These will be और इनको हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि डायस्टिटी एन ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशन कि ये एक दूसरे की ये जैसे इसको ऑब्जेक्ट माने तो ये उसकी मिरर इमेज नहीं है तो जिनमें वो ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज वाला रिलेशन नहीं है उन आइसोमर्स को हम कहते हैं डायास्टीरियोमर्स अब डायास्टीरियोमर्स की भी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो यू कैन राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायास्टीरियोमर्स। नंबर वन डायास्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रिफ्रेक्टिव इंडि सोल्युबिलिटीज एक्सेट्रा सोलबिलिटी इन ए पर्टिकुलर सोलवेंट हम देखेंगे तो वो इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हो नंबर टू द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपको गिनाई कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती है द डिफरेंस इन द फिजिकल करेक्टरिस्टिक हेल्पस इन देअर सेपरेशन एक डायस्टिमर को दूसरे डायस्टिमर से इजिली सेपरेट कर सकते हैं हेल्प इन देयर सेपरेशन बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड्स लाइक फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी एट्सेट्रा फिर अब डायस्टिरोमर जो हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकते जैसे यहाँ पर तो दोनों डायस्टीरियोमर्स जो मैंने बनाए दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पर अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ जैसे मैं इसको साफ़ करके दूसरी अरेंजमेंट यहाँ पर लिखता हूँ तो ये वाले डायस्टीरियोमर्स जो होंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी होंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में भी बात की थी ये है सिस आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ये है ट्रांस आइसोमर यहां पे सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन दी ऑपोजिट साइड्स तो ये दोनों में भी क्या डिफरेंस है हैं एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स ही जिसमें ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स इज डिफरेंट पर इनमें एक दूसरे के साथ मिरर इमेज रिलेशन वाला वाली बात नहीं है तो दीज टू आर ऑल्सो डायास्टिमर्स बट दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव इसी तरह से ही हमने टार्ट्रिक एसिड की एग्जाम्पल लेकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे टार्ट्रिक एसिड होता है ये अब ये वाला टार्ट्रिक एसिड की जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई इसमें यू कैन सी देयर इज मॉलिकुलर सिमिट्री दिस देयर इज विल बी ए प्लेन ऑफ सिमिट्री जिसके जो अरेंजमेंट ऊपर है सेम अरेंजमेंट नीचे भी है तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन जिसको हम थोड़ी देर बाद फिर से डिस्कस करेंगे पर जो इसका और है कोई डायस्टीरियोमर वो मैं बना रहा हूं यहां पर दिस अब ये दोनों जो हैं इन दोनों में कोई ऑब्जेक्ट मिरर इमेज वाला रिलेशन नहीं है पर इनमें पहले वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है पर दूसरे वाला ऑप्टिकली एक्टिव है दूसरे में कोई हमारे पास एलिमेंट ऑफ सिमिट्री नहीं है तो इसलिए सेकंड वन इज ऑप्टिकली एक्टिव फर्स्ट वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव तो डाया जो हैं, दे कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव दे कैन नॉट दे मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव तो जो आप इनके रिख रहे हो करेक्टरिस्टिक्स उसमें जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं वो ये कि ये अगर आपने नोट नहीं किया तो ये भी कर सकते हो कि डायास्टीरियोमर्स मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव फिर डायास्टीरियोमर्स बेसिकली हैं क्या चीज सेम ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट हमारे पास कन्फिगुरेशन हैं। अगर सेम मॉलिक्यूल है सिमिलर उसमें ग्रुप्स हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर ही होंगी तो आप लिख सकते हो डायस्टिमर हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स हाउ एवर दीज आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रिलेटिव कन्फिगुरेश एक दूसरे के कंपेरिजन में डिफरेंस है थोड़ा सा इनकी रिलेटिव कन्फिगुरेशन में इसलिए बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं होंगी इनकी जो भी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर जरूर हो सकती हैं तो इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे ऑफ डायस्टीरियोमर्स एंड इनेंशियोमर्स इनेंशियोमर्स भी आपने पढ़े हुए कंपैरिजन बिटवीन डायस्टीरियोमर्स एंड इनेंशियोमर्स तो अब आप एक टेबल बना सकते हो जिसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में आप बना ले आपने जैसे इस तरह से लिख सकते हो डायस्टीरियोमर्स और राइट साइड में इनशियोमर्स तो इन एशियोमर्स आपको पता है दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर बट डाया जो हैं दे डू नॉट हैव एनी सच रिलेशनशिप सॉरी तो यहां पर इनशियोमर्स में आप लिखो नंबर वन दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर और डायस्टमर्स में दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ़ अदर। फिर सेकेंड इन में आपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की थी कि दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस आता है दैट इज देयर साइन ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तो इनैंशियोमर्स में आप लिख सकते हो दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज और डायस्टीरियोमर्स में इनकी हम बात की है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी और डायस्टीरियोमर्स में आप लिख सकते हो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर इनेशियोमर्स की जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज की बात है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं अगर जो नेक्स्ट सबस्ट्रेट है या जिसके साथ रिएक्ट करवाना है कंपाउंड को वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तब तो बिल्कुल सिमिलर स्पीड से रिएक्शन करेंगे दोनों इनशियमर्स अगर जो दूसरा सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तब भी बिल्कुल सिमिलर वे में वो रिएक्ट करेंगे तब पर तब उनके रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस हो सकता है पर डायस्टीरियोमर्स में तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर तो हैं पर आइडेंटिकल नहीं है इनशियोमर्स में हम कह सकते हैं कि आइडेंटिकल हैं तो डायस्टीरियोमर्स में आप लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट कि दे हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और इनेंशियोमर्स में दीज हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज फिर डायस्टीरियोमर्स इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो दे मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव और इन इनशियोमर्स में दीज रोटेट दी प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टू सेम एक्सटेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन और अभी आपने स्टडी किया था कि डायस्टिमर्स की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं तो इसलिए डायस्टमर्स को हम ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं इन को नहीं कर सकते तो डायस्टमर्स में आप लिख सकते हो लास्ट पॉइंट कि ड्यू टू डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज दीज कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड्स और इन एंशियोमर्स को हम ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते उनके लिए कुछ और स्पेशल टेक्निक्स डेवलप करनी होंगी तो इन एंशमर्स में आप लिख सकते हो दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड्स तो फिर इन डायास्टीरियोमर्स के बाद हम बात करेंगे जैसे आपने पहले की थी वो कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी वहां पर बात की थी काइरेलिटी इन दी स्ट्रक्चर कि दी स्ट्रक्चर ऑफ दी मॉलिक्यूल शुड बी काइरल दैट इज डिसमेट्रिक दैट इज इट शुड हैव एन इमेज दैट इज नॉन सुपर ओवर इट पर वहां पर हमने काइरल कार्बन का होना यह जरूरी नहीं बताया था तो पहले हम कुछ केसेस करेंगे जिनमें कायरल कार्बन नहीं है दी मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव तो उसके लिए आप लिख सकते हो हेडिंग लिख लो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन कंपाउंड्स विद नो कायरल और स्टीरियोजेनिक सेंटर विद नो कायरल और स्टीरियोजेनिक सेंटर जिनमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है तो इसके लिए हम करें करेंगे बात एलिन्स की जो आप आगे भी स्टडी करोगे इन केस ऑफ एलकींस और एल्काइन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर ही ये बात एक्सप्लेन करता हूं एलिन्स होते हैं क्यूमुलेटेड क्यूमलेटेड क्यूमुलेटेड मतलब जब डबल बॉन्ड्स हों दो एक ही कार्बन के दोनों तरफ अब इसकी एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इसकी भी sp2 टू होगी और मिडल वाले की कार्बन के दो बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर तो इसलिए इसकी एसपी हाइब्रिडाइजेशन है लीनियर ज्योमेट्री होगी तो अभी तक जो कुछ मैंने दिखाया ये बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर है पर इसके बाद यहां पर हमारे पास ये वाली जो कार्बन है sp2 टू हाइब्रिड कार्बन इसके अराउंड जो ओरिएंटेशन है वो हम डिफरेंट देख सकते हैं कि एक होगा से बिलो द प्लेन ग्रुप और एक को हम लेंगे अबव प्लेन जैसे यहां पर आया ये हाइड्रोजन है और इधर यहां पर लगा दिया सी एच थ्री ग्रुप तो ये एक बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए ये हमारे पास नॉन सुपर होगी ओवर इट्स मिरर इमेज तो इसको हम किस तरह से दिखाएंगे इसकी जो मिरर इमेज है तो उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं इस तरीके से अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स अगर तो बिल्कुल फ्लैट होती प्लेनर होती फिर तो सुपर इम्पोजिबल हो जाती पर अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं इसको इसके ऊपर हमें अगर करना हो सुपर इम्पोज तो कैसे करेंगे कि इसको अगर हम उल्टा के रख दें इसके ऊपर तो फिर नो डाउट इस कार्बन के इधर हाइड्रोजन है नीचे मिथाइल ग्रुप है तो जो पलटा हमने रखी स्ट्रक्चर उसमें भी ऐसे ही होगा पर अगर यहां पर है अबव द प्लेन तो अगर इसको उल्टाएंगे हम तो ये बिलो द प्लेन हो जाएगा फिर ये इसके ऊपर पहली स्ट्रक्चर के ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट को इन नहीं करेगी तो इसलिए इस कंपाउंड में आप देख सकते हो देर इज नो कायरल कार्बन कोई भी कार्बन कायरल नहीं है बट स्टिल ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसमेट्रिक तो इसलिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो दो मैंने बनाए हैं फिर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं सब्सटीच्यूटेड बाईफिनाइल्स की सबस्टीट्यूटेड बाईफिनाइल बाईफल्स होते हैं कंपाउंड जब दो बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ अटैच की होती हैं। अब अगर यहां पर एक लगा दिया जाए NO2 ग्रुप और एक हो जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ये बल्कि ग्रुप्स हैं इसलिए दूसरे के कंपाउंड के जो भी ग्रुप्स होंगे उनको ये रिपेल करेंगे तो इसलिए ये वाली जो बेंजीन रिंग है ये थोड़ी सी रोटेट हो जाएगी जैसे ये है अगर विद इन प्लेन ऑफ बोर्ड तो ये वाली जो रिंग है वो इस तरह ना होकर बल्कि इस तरह हो जाएगी शिफ्ट ताकि जो इसके साथ दो एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स लगे हैं वो एक दूसरे को हम कह सकते हैं कि फिजिकली रिपेल ना करें मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो इस तरह से तो इसलिए इसको इसकी हम ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज कर लेंगे इस तरीके से अब इस कंपाउंड में भी कोई कायरल कार्बन नहीं है पर स्ट्रक्चर इज स्टिल डिसमेट्रिक तो ये भी अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा दिस विल ऑल्सो शो दिकल आइसोमेरिजम फिर इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम एक और तरह के आइसोमर्स करते हैं जैसे हमने अभी डायस्टिज की बात करी ये होते हैं इर्थ्रियो एंड थ्रियो आइसोमर्स थ्रियओ एंड थ्रीओ आइसोमर्स तो आप लिख सकते हो प्रीफिक्सेस द्रीफिक्सिस इंड थ्रीओ आर यूज टू डिस्टिंग्विश ए पेयर ऑफ इनशियोमर्स इन विच द टू कायरल कार्बन एटम्स हैव डिफरेंट हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू ईच अदर की जो दो कायरल कार्बन हैं उनमें से एक दूसरे के साथ जो दो ग्रुप्स अटैच हैं वो दो कोई भी दो डिफरेंट हों जैसे दो ग्रुप्स इस कार्बन के साथ अटैच होंगे और दो ग्रुप्स इस कार्बन के साथ अटैच होंगे एक में मैंने ले लिया एच और ओ OH एच और दूसरे कंपाउंड में अगर मैं स्टडी करूं एच और बी आर तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक कायरल कार्बन है ये और दूसरी कायरल कार्बन है ये तो इन दोनों कायरल कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स हैं अटैच्ड ये डिफरेंट हैं। एच और एच सेम है सी एच थ्री और सी एच थ्री सेम है ओ एच OH और बी आर जो है ये डिफरेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि इस अरेंजमेंट में यहां पर एक ओ OH एच और उसी तरफ को है बी आर पर अगर मैं इसकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन जो है वो शिफ्ट करूं कि ओ OH एच ग्रुप को मैं ले आऊं टुवर्ड्स राइट साइड और बी आर को वहीं रहने दूं तो अब ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो बन गए जिसमें स्पेस में ओरिएंटेशन इनकी डिफरेंट है तो इस तरीके से हम इनमें कहेंगे एक को इर्थ्रियो और दूसरे को थ्रियो जब दो आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे ऑन दी सेम साइड तो आप लिख सकते हो व्हेन दी टू आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन दी सेम साइड इट इज कॉल्ड एंड व्हेन दीज आर ऑन दी ऑपोजिट साइड जैसे यहां पर दोनों हाइड्रोजन है ऑपोजिट साइड्स में एंड व्हेन दीज टू आर ऑन दी ऑपोजिट साइड्स इट इज कॉल्ड थ्रियो आइसोमर फिर इसके बाद बात आएगी हमारे पास रेसिमाइजेशन की तो अभी तक हमने जो है दो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि ये और डेक्सट्रोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी उनको हमने अलग अलग ही स्टडी किया है तो अब आप करोगे स्टडी रेसेमिक मिक्सचर रेसेमिक मिक्सचर तो आप लिख सकते हो एन मोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म्स इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर कि 50% परसेंट अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म हो 50% परसेंट अगर लीवो फॉर्म हो तो सॉरी <coughs> तो इन दोनों को हम कहेंगे रेसमिक मिक्सचर और रेसेमिक मिक्सचर में क्या होगा अब कि एक मॉलिक्यूल है अगर डेक्सट्रोटेटरी तो उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है दैट विल बी कैंसल्ड बाय दी अदर तो दिस विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल कंपेंसेशन तो जैसे अगर मैं आपको बनाकर भी दिखाऊं कोई ये है ओ OH, इधर एक लगाया सी एच थ्री ग्रुप एक लगाया एच और दूसरा लगा दिया सी ओ ओ एच बी रोटेटिंग प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो अगर 50% परसेंट ये वाली फॉर्म हो 50% परसेंट ये वाली फॉर्म हो अगर ये डेक्सट्रो है तो यह लीवोरेटरी होगा तो इसकी रोटेशन को दूसरे आइसोमर जो हैं वो कैंसिल कर देंगे तो वो कंपेंसेट कर देंगे हम कह सकते हैं तो आप लिख सकते हो अरेमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑप्टिकल रोटेशन बाय वन आइसोमर इज कैंसल्ड बाय दर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल कंपेंसेशन अब रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन को हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन तो रेसिमाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर विच कंटेन्स टू आइसोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन तो फिर हमने अभी तक कर लिया रेसमिक मिक्सचर तो दैट इज ए इक्विमोलर मिक्सचर और एक किया था मीजो कंपाउंड जिसमें ड्यू टू इंटरनल कंपेन्सेशन ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आती है तो कंपैरिजन ऑफ मिक मिक्सचर एंड मीजो कंपाउंड कंपेरिजन ऑफ रेसमिक मिक्सचर एंड मीजो कंपाउंड अब रेसेमिक मिक्सचर में आप पॉइंट्स लिख सकते हो नंबर वन इट इज एन Equimolar mixture of two isomers while meso compound is a single molecule. It is a single molecule and here you will write it is an equimolar mixture of two isomers. Fear number two. रेसिमिक मिक्सचर ने अभी आपने स्टडी किया था कि जो ऑप्टिकल रोटेशन की कैंसिलेशन है ड्यू टू एक्सटर्नल तो आप लिख सकते हो लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इन रेसिमिक लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेन्सेशन और मीजो कंपाउंड में इट वॉज ड्यू टू इंटरनल कंपेन्सेशन तो आप लिख सकते हो लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन अब रेसेमे मिक्सचर जो है तो उसमें अगर तो एग्जैक्ट 50-50 परसेंट हुई दोनों फॉर्म्स डेक्स्ट्रो और लीवो तब तो ऑप्टिकल रोटेशन बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी दैट इज दैंसलेशन विल बी कंप्लीट पर अगर से एक आइसोमर है 45 परसेंट और दूसरा आइसोमर हुआ 55 परसेंट तब पूरी पूरी कैंसिल नहीं होगी मतलब कैंसलेशन विल नॉट बी कंप्लीट तो आप लिख सकते हो थर्ड पॉइंट रेसिमिक मिक्सचर में लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी में बी पार्शियल और कंप्लीट डिपेंडिंग अपॉन प्रोपोर्शंस ऑफ द टू कंपोनेंट्स। पर जो मीजो कंपाउंड था उसमें तो ऑप्टिकल रोटेशन बिल्कुल कैंसल हो जाती है तो वो पूरी पूरी कंप्लीट होती है जो लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो आप लिख सकते हो मीजो कंपाउंड में द लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज कंप्लीट